नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन ऑन में। चलिए रुक करते खबरों का। उत्तराखंड निकाय चुनाव के बाद रुड़की में भी जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रुड़की क्षेत्र के 5 निकायों में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभासदों ने कार्यनिष्ठा से कार्य करने की शपथ ली। वहीं पहली बार नगर पंचायत श्रेणी में आए भगवानपुर में बीजेपी की सहती देवी राकेश ने बाजी मारी, जिनके लिए सफर कांटो भरा साबित हो सकता है। इस समारोह में पहुंचे प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्थानीय समस्याओं को लेकर राज्य सरकार भी सभी निकायों के विकास के लिए भरपूर सहयोग करेगी, ताकि सभी क्षेत्रों का विकास हो सके। जो नई पंचायतें बनी हैं और उसकी कल्पना है कि यहाँ की जो सरकार है, छोटी सरकार है, जिसको जनता ने समर्थन दिया है, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान करे। और इस समय चूंकि यहाँ की सरकार, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, ये एक ही विचार की सरकारें हैं, तो मुझे लगता है कि तालमेल की कोई कमी जो विभिन्न अवसरों पर देखने को मिलती है वो नहीं मिलेगी और जनता का समुचित विकास होगा। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। वहीं अमृतसर में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और आतंकवादी गोपाल चावला का पुतला फूका और नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर युवा सेना के पंजाब अध्यक्ष संजीव भास्कर ने कहा कि पिछले दिनों करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की इजाजत के बिना पाकिस्तान चले गए थे और वहां पर खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल चावला से मुलाकात की और कुछ तस्वीरें खिंचवाई। उन्होंने कहा कि सिद्धू कैप्टन के ना करने पर भी पाकिस्तान चले गए। सिद्धू इस रास्ते से क्या फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान विश्वास के काबिल नहीं है। देखो, आज जैसे जरा प्रोटेस्ट करना सी शिवसेना बाला साहब ठाकरे तो वो इस करके प्रोटेस्ट करना है कि पिछले दिनों जरा करतारपुर साहब का कोरिडोर खोलिया गया पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बीच, और वो साढ़े कैबिनेट मंत्री सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी जेडे उत्थे पाकिस्तान जाके उन्होंने आतंकवादी गोपाल चावला फोटो खिंचाइया तो मुलाकात की। इतों एक संकेत मिले सानू कि जरा आने वाले टाइम के फिर 1984 वाला माहौल पैदा होने के चांसिस ने, तो शिवसेना जी है उसका कड़ा शब्दों से विरोध करती है कि शिवसेना यह कभी भी माहौल दोबारा नहीं पैदा होंगे, क्योंकि 1984 वाला संताप असं अज तक नहीं झेल गए। असं चाहते थे कि अज उस चीज़ में असी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को दस दिए कि तुहाडे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने के बावजूद भी तुम उत्थे चले गए, क्योंकि उन्होंने मना किया सी और उत्थे जाके जिहड़े आतंकवादी अपने गोपाल चावला नाल मुलाकात की है, वह संदेश दिता वा कि पंजाब दे विच जिहड़ा कोरिडोर खोलिया है उन्दे सिद्धू साहब का कोई जाति फायदा। अमृतसर से लली शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ट्रक में लाई जा रही गाय की तस्करी पर स्थानीय लोग भड़क गए। वहीं लोगों का गुस्सा भांपते हुए ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उन्होंने गाय को निकालकर ट्रक में आग लगा दी। लोगों ने पुलिस प्रशासन के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस को लोगों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं कठुआ के SDM सुरेश शर्मा का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान जम्मू पठानकोट राजमार्ग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। कठुआ से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। गुजरात में लोक रक्षक दल की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद समग्र गुजरात राज्य में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। NSUI कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। NSUI कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा उम्मीदवारों पर किए गए कथित लाठीचार्ज की घटना को गलत बताकर छात्रों को हुए नुकसान के बदले मुआवजा देने की मांग की और मुआवजा नहीं देने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आज रोज राजकोट NSUI द्वारा गई काले जे लोक रक्षक नी परीक्षा में जे कौभांडो थया, कौभांडो में भाजप ना होदेदारों ने सरकारी कर्मचारीओनो मोटो रोल निकळ्यो। जे एमां जे संडवायेला तत्वो हता ए भाजपना अने सरकारी कर्मचारी 9 लाख जेटला विद्यार्थीओए पोतानो समय शक्ति अने બધાનો ઉપયોગ કરી અને પોતે કોઈ નોકરી ધંધા છોડીને જે પરીક્ષા દેવા ગયા હતા અને જે એમનું પેપર લીક થયું અને પેપર લીકને કારણે વિદ્યાર્થીઓને હેરાનગતિ થઈ। મહત્વની નવાઈની વાત તો એ છે કે જે લોકરક્ષકની પરીક્ષા ભરવા ગયા હતા એના ઉપર જ લોકરક્ષકો દ્વારા લાઠીચાર્જ કરવામાં આવે। ST બસોની કાંઈ વ્યવસ્થા નહોતી, વિદ્યાર્થીઓ રજડી પડ્યા હતા। અમારી મુખ્યમંત્રીને એ જ માંગ કે તમારે આવા કૌભાંડો ભાજપ સરકારમાં ભ્રષ્ટાચારની નીતિ સાબિત થઈ છે અને જે વિદ્યાર્થીઓ હોય એમને 3000 રૂપિયા પેટે એમનું વળતર આપવામાં આવે। વિદ્યાર્થીઓને વળતર નહીં અપાવે તો NSUI આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરશે અને જે તમે નવી પરીક્ષા લ્યો છે એની માર્કા પદ્ધતિ બદલાવો, તમારા વહીવટી તંત્ર ઉપર તમારો કોઈ વગત નથી એ અહીંયા સાબિત થઈ ગયું છે અને ભાજપ સરકાર પહેલે નહીં, આવા તો ઘણા ભૂતકાળમાં બનાવો થઈ ગયા છે। વિદ્યાર્થીઓને વળતર નહીં આપવામાં આવે અને જે સંડવાયેલા તત્વો હજી ભાજપના કર્મચારીઓ હજી નવા હોદ્દેદારોના નામ ખુલે છે, SIT ની રચના કરવામાં આવે અને આ લોકો ઉપર યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો NSUI આગામી દિવસોમાં રોડ ઉપર આંદોલન કરશે। ગુજરાત સે શૈલેષ વાગલા કી રિપોર્ટ। અબ તક કી ખબરો મેં બસ ઇતના હી। દેશ દુનિયા કી તમામ ખબરો કે લિયે દેખતે રહીએ નેશન વન। નમસ્કાર।